मरफूजा जिस सोम में ये जिक्र है कि किसमें मरफूजा जिस सोम जी कि हर मसीह अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये सवाल पेश किया गया कि क्या आदम के वक्त दूसरे इंसान मौजूद थे। इसका जवाब देते हुए एक मौका पर हजूर ने फरमाया कि खलीफा के लिए ये जरूरी नहीं कि एक कौम जरूर पहले से मौजूद हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक कौम को पैदा करके पहली कौम का खलीफा उसे करार दिया जाए। ठीक है, तो ये सवाल है कि क्या इसकी कोई ऐसी मिसाल है कि खलीफा मुंतखब हो गया और कौम मौजूद ना हो। मुंतखब आप समझ ही नहीं रहे यहाँ इंतखाब और खिलाफत का जिक्र भी नहीं, इशारतन भी जिक्र नहीं, यहाँ खलाफ फिल अर्ज वाली बड़ा मजमून बयान हो रहा है कि एक कौम दूसरी कौम की जानशीन हो जाया करती है। एक कौम को एक रूज का दौर मिलता है, वो अपने खूब तरक्की करती है और फिर रफ्ता रफ्ता वो उसी आसाइश की जिंदगी जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें आकर फिर वो इन्हितात अख्तियार कर लेती है। फिर उस कौम के बदले एक और कौम को अल्लाह ताला उनका वारिस बना देता है। यहाँ खिलाफत इन मानों में है।